सौरभ द्विवेदी लॉकडाउन डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक और नए मेहमान। हम लॉकडाउन डायरी लगातार कर रहे हैं और सोच रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, तो फिर अपने राम को ख्याल आया कि डेली एक नए किरदार से, जो कि हमारे दोस्त भी हों, आपकी मुलाकात करवाई जाए। और एक परमानेंट किरदार भी है हमारी जिंदगी में, परम नमूने, जिनका नाम हिमांशु वाजपेयी है, वो तो रहेंगे ही हमारे साथ। और पता नहीं किसको टोपी पहना के आए हैं, तो आज टोपी भी लगाए हैं। और आज के एपिसोड में मेरी दोस्त और इस एपिसोड की मेहमान हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की प्रोफेसर स्वस्ति राव, जो जेएनयू की मेरी जूनियर भी हैं और जिनके पतिदेव जेएनयू के मेरे सीनियर हैं और यूपी पुलिस के ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आकाश कुराड़ी, इन दिनों डीआईजी हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में है लखनऊ में। पुलिस हेडक्वार्टर में ही है कि पीएससी में? पीएससी हेडक्वार्टर पीएससी में है। आकाश सर मेरे कान खींच सकते हैं कि तुम बेटा हमारा डिजिग्नेशन ठीक से नहीं बता रहे हो। तो ये इससे पहले कि मैं स्वस्ति तुमसे पूछना शुरू करूं अलीगढ़ के हाल, एमयू के, और तुम जापान रही हो इतने साल, वहां पे कैसे चल रहा है बेटा, ये टोपी किसको पहनाई है? ये टोपी का ऐसा है कि भाई लॉकडाउन में बैठे हुए हैं हम और हमारे छोटे भाई अंबुज छोटू, तो अंबुज हमसे कहने लगे दादा हो तुम्हारी खपड़ी घोट दे, हमने कहा लो भाई घोट दो, तो घुट गई। नहीं बात ये है, तुम ऐसे कहने से तुम सही में घुटवा लिए हो? अरे 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 ये देखिए शाकाल। अरे तो क्या इसी के मुड़वाते तो ओले नहीं पड़े हैं? नहीं नहीं ये आज घुटी है, ओले पहले पड़ चुके थे। बात ये है कि जब हम लाइव वीडियो देखते थे तो एक तरफ के बाल मेरे उड़ गए हैं तो वो खराब लगता था, तो मैं लगा भाई खुमार का शेर याद आ गया कि आंधियों अब जाओ करो आराम, हम खुद अपना दिया बुझा बैठे। तो हमने फिर पूरे ही मुड़ा दिए, हमने कहा क्या बात, क्या बात। मतलब तुम मतलब किसी भी किस्म की चीज पे शेर निकाल सकते हो? हाँ आप लफ्ज दीजिए हम शेर सुनाएंगे। अरे अभी स्वस्ति खिलखिलाई है इस पे सुना दीजिए। खिलखिलाने पे तो शेर यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। चार साल की जो सुपुत्री है नंदिनी, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये पूछती है मम्मी ये कोरोना क्या है, लॉकडाउन क्या है, कुछ ऐसी बात होती है? खूब समझ में आ रहा है और उनके बहाने देखिए बहुत सारी चीजों को रिविजिट कर रहे हैं। तो आज जब बात हुई और हिमांशु ने कहा कि हम लोग ऐसे बातें करेंगे, तो जाहिर है अब हम लोग तो जेएनयू के हैं तो ये बतकही और बतरस और ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली हमारे उसमें है, यू नो, तो हम लोग कंफर्टेबल है। तो मैं सोचने लग गई कि क्या बात करनी है, तो मैं उससे बता रही थी कि बेटा तुम आज जल्दी सो जाओ क्योंकि मम्मा को ना जेएनयू के पुराने फ्रेंड से बात करनी है। तो वो पूछने लग गई अच्छा आप क्या बात करेंगी, क्या लॉकडाउन के बारे में बात करेंगी? तो हमने कहा हाँ भाई लॉकडाउन के बारे में बात करनी है। तो वो पूरी तरह वाकिफ है इस बात से और काफी मेरे ख्याल से उस बात का दुख वो भी उठा रही है कि कहीं निकल नहीं सकते और घर पे ही बैठना है। तो हम लोग जब गर्मी की छुट्टियां होती थी और खूब तेज धूप होती थी और दोपहर में बाहर जाना मना होता था, गोरखपुर की बनारस, ये अलग अलग शहरों में लेकिन ज्यादातर गोरखपुर और बनारस, हाँ अलग अलग शहरों में। वैसे तो जहाँ जहाँ छुट्टियां, जहाँ जहाँ मेरे फादर पोस्टेड होते थे वहां वहां हम लोग रहते थे, लेकिन ज्यादातर क्योंकि नानी मेरी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर थी तो नानी के घर जाना होता था और फिर बनारस तो हमारा ननिहाल है, तो इस तरह से वहां पे जाने के सिलसिले ज्यादा होते थे। तो वो जो गर्मी की छुट्टियां होती थी और उसमें खास मुझे याद है भी एक रूसी लोक कथाएं हम लोग बहुत पढ़ते थे और उसके बाद और उसके बाद कुरुतलैन हैदर, वाजपेयी साहब जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, उनकी भी बच्चों की कहानियां बहुत अच्छी हैं। तो उसमें से कुछ कहानियां, जी उनमें से कुछ कहानियां अभी भी मुझे याद है और उसका तो मुझे उनवान भी याद है, उसका नाम है जुगनुओं की दुनिया। तो वो मैं अक्सर नंदिनी को सुनाती हूँ और जिसमें ना इस तरह के फ्रेजेस आते हैं, तो शायद ये 90s वाले किड्स उससे रिलेट कर पाए जब फोन वगैरह नहीं होते थे और जब कुछ भी होता था तो उसके बाद सब लोग कहते थे बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। कोई भी बात होती थी, कुछ भी हो जाता था तो होता था बड़ा मजा आया। ये अरे भाई आज तो बड़ा मजा आया सुन के वैसे जैसे तबस्सुम के टीवी प्रोग्राम में वो बोलती थी बड़ा मजा आया।
हाँ, तो ये कुछ उसी जमाने के भोलेपन की बातें हैं जो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जिनको खा गई या टेक्नोलॉजी हावी हो गई जिन पर, तो उसी कुछ उसी दौर की बातें हैं, लेकिन वो सब इस लॉकडाउन के वजह से कहीं ना कहीं रिविजिट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से समर, गर्मियों के दिन जो हैं, उनका उनकी इमेजरी को रिविजिट कर रहे हैं गानों के जरिए, पोइट्री के जरिए. और आई थिंक ये एक स्पेस हम लोग को जो खो गई थी कहीं जीवन से आपाधापी में, वो कहीं ना कहीं वापस तो मिली ही है. तो इसको शेयर करने के लिए मेरे सामने सिर्फ नंदिनी होती हैं, तो उन्हीं से शेयर करती हूँ सारी चीजें. ये तुम रोज सुनाती हो नंदिनी को कहानी? हाँ, मैं उसको रोज कोई ना कोई कहानी सुनाती हूँ. कभी कभी उसी कहानी के किरदारों को बदल देती हूँ. तो जैसे एक कहानी उसकी बड़ी पसंदीदा है, रूसी लोक कथाओं की कहानी है, और उसका नाम है जाओ वहां न जाने कहां लाओ उसे न जाने किसे. जाओ वहां न जाने कहां लाओ उसे न जाने किसे. बिल्कुल पोस्ट मॉडर्न, बिल्कुल पोस्ट मॉडर्न एसेंस की कहानी है. मेरी भी बहुत फेवरेट थी, थोड़ी देर बाद बनाना, मेरी भी बड़ी फेवरेट थी, इस वजह से मुझे बिल्कुल जबानी याद है. और मैं उसे कुछ ना कुछ एक मिनट, यही होगा, यही कहीं होगा. हम लोग के परिवार में एक नया सदस्य आया है, उसका नाम है काफ्का. वो एक पग है 2 महीने का. अरे वाह. तो इसका नाम किसने रखा काफ्का? नाम तो मैंने और आकाश दोनों ने मिलकर रखा, क्योंकि फ्रांस काफ्का हमारे बड़े पसंदीदा, और हम चाहते थे हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से वो बने रहे, किताबों के बाहर भी. तो हमने अपने पग का नाम काफ्का रखा है. तो दिन भर में हम लोग 50 बार काफ्का पुकारते हैं. तो उससे हमारे मन को बड़ी यार हिमांशु, देखो ये लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और तुमने भी अपने मूड के पीछे आज भोकाल टाइप करने के लिए किताबें लगा रखी हैं. ये मैंने कहा था कि इस पे तो हम आएंगे, लेकिन इस बात से कि इन्होंने काफ्का रखा है नाम, हमें मजाज का किस्सा याद आ गया. जी, ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ मजाज का चमन है, अलीगढ़ का एमयू का तराना मजाज का लिखा हुआ. तो मजाज अली सरदार जाफरी और सत्य हसन का किस्सा है, तो मैं आपको सुना देता हूँ किस्सा. जी जी, बिल्कुल जैसा अली सरदार जाफरी ने लिखा है लखनऊ की 5 रातें में, उनकी किताब है मजाज पर. लखनऊ की 5 रातें? जी, अली सरदार जाफरी की किताब है, मजाज के ऊपर है. तो उसमें वो लिखते हैं कि एक दिन दौरान गुफ्तगू ये बात निकली कि लोग अपने कुत्तों का नाम टीपू क्यों रखते हैं. तो मैं, सिप्त हसन और मजाज तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से अपनी नफरत का इजहार करने के लिए यह एक तरीका इख्तियार किया है, और गुलामाना जहनियत के हिंदुस्तानी बेसोचे समझे अंग्रेजों की नकल में अपने कुत्तों का नाम टीपू रख लेते हैं. इस पर गुफ्तगू अभी जारी थी कि मजाज ने फौरन मशवरा दिया कि हम लोगों को एक कुत्ता पालना चाहिए, और उसका नाम अजीम अंग्रेज फौजी कमांडर नेल्सन के नाम पर नेल्सन रखना चाहिए. सिप्त हसन उठ खड़े हुए, बाहर गए, और चंद लम्हों के बाद जब लौटे तो उनकी गोद में एक निहायत खूबसूरत सफेद कुत्ते का पिल्ला था. हम तीनों ने उसका नाम नेल्सन रख दिया, और गोया अपने नजदीक अंग्रेजों से टीपू सुल्तान की तौहीन का इंतकाम ले लिया. तो ये किस्सा क्या बात है भाई, बस शानदार. इसकी भी एक पॉलिटिक्स है. तुमने काफ्का बताया, तुमने ये बताया, एक मेरे पास ब्लैक कलर का लेब्रा है. अच्छा, तो अब उसके नामकरण की बारी आई. आपको पता ही है कि घर में मेरी बहुत चलती है और मेरी पत्नी की बिल्कुल भी नहीं चलती है. इसको अभी तुम समझ जाओगी. तो मेरी पत्नी ने कहा कि, मैंने कहा कि अब ये कुत्ता आ गया. मेरा बचपन से मन था कि मैं अपना एक कुत्ता पालूं काले रंग का, और इसका नाम मैं रखूंगा एकदम भारी भरकम सा, थोड़ा लगे कि वजनी कुत्ता है, इसलिए इसका नाम होगा बख्तावर. अब वो बख्तावर नाम धर दिया. अब हमने कहा यार ये गुरु बख्तावर हमारे दिमाग में घुसा क्यों है. फिर हमको ध्यान आया वो हम फिल्म में अमिताभ बच्चन ऐसे विलेन का नाम लेता है सर हिला के, ऐसे वो काली जैकेट पहने, बख्तावर. उसका डैनी का नाम होता है बख्तावर, और फिर वो भागता है टनाना टनाना, वो हम वाला पूरा म्यूजिक चलता है. हमने कहा यार हम किसी को ये कहानी कैसे बताएंगे कि ये गुंडे के नाम पे हम अपना नाम रखे कुत्ते का. तो हम फिर गूगल किए कि बख्तावर का मतलब क्या होता है. मतलब बढ़िया निकला बख्तावर का, कि द वन हु प्रोटेक्ट्स. वो बख्तरवार भी उसी से बना है. लेकिन किस्सा ये नहीं है, किस्सा ये है कि हमने उसका नाम बख्तावर रख दिया, लेकिन वो बख्तावर बोलने पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, क्योंकि हमारी पत्नी ने
उनको जंगल बुक बहुत पसंद है और उसका नाम बलू रखा है। तो वो कमबख्त कमीना बलू पे रिस्पोंड करता है। तो हम ये कह के अपने आप को दिलासा देते हैं कि घर में हमारी बहुत चलती है और ये उसका स्कूल का नाम है बख्तावर, घर पे उसको बलू के नाम से बुलाते हैं। ये पता चला इन्होंने उसका नाम बख्तावर की जगह कमबख्त रख दिया। सुनता ही नहीं है। हमारे का मतलब होता है जी मुकद्दर। हाँ, कमबख्त का मतलब मुकद्दर, बख्त का मतलब मुकद्दर। हाँ, तो कमबख्त जिसका मुकद्दर खराब हो, तो बख्तावर बख्तावर का मतलब हुआ जिसका जो सौभाग्यशाली हो, जो जो बख्त से परिपूर्ण हो। मुझे मकसद बताया कि इसका एक अर्थ ये भी है कि वो प्रोटेक्ट करने के सेंस में। अच्छा, तो वो भी हो सकता है, लेकिन इसका आमतौर पे मतलब ये होता है। तो वो हो तो सकता है ना कि जो आपके जो आपको बचाए, आपका सौभाग्य सुरक्षित, हाँ मतलब प्रोटेक्ट करे, यानी कि आप मतलब प्रिजर्वेंस ऑफ लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ और समथिंग लाइक दैट। लग रहा है, ये सुनने में लग रहा है। किसी दिन उसके दर पे रख से वहशत क्यों नहीं करते, अगर उससे मोहब्बत है। ये सौरभ भाई आपके लिए शेर जी। अगर उससे मोहब्बत है तो जुर्रत क्यों नहीं करते, अगर उससे मोहब्बत है तो जुर्रत क्यों नहीं करते। किसी दिन उसके दर पे रख से वहशत क्यों नहीं करते, इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। नहीं तो ये इनके ऊपर कैसे लागू होता है, ये आपने ये कहा कि आपने कॉडी फिट करी कि इनके ऊपर लागू होता है, ये तो भाई ऑलरेडी काफी मोहब्बत में दिखते हैं। हाँ, इनके ऊपर इसलिए लागू होता है कि ये बेचारे हैं शादीशुदा। हाँ, ठीक है। और तो अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं प्रकारांतर से कि जो शादीशुदा है वो मोहब्बत के बारे में कैसे सोच सकता है। स्वस्ती स्वस्ती इनको फैल लेने दो, इनको ढंग से रगड़ा जाएगा, फैलो। तो इनकी जो फीमेल फैंस हैं, इनकी जो खवातीन जो इनकी मद्दा हैं, वो हमसे जब मिलती हैं कहती हैं अरे वो आपके दोस्त हैं, हम तो उनके बड़े मद्दा हैं। तो हम इनको जब बताते हैं तो ये बिल्कुल मन मसोस के रह जाते हैं कि भैया ठीक है। बाजपेयी साहब, मसला ऐसा है कि हम शादीशुदा भी हैं और मोहब्बत शुदा भी हैं। और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए इन्होंने बात जो है बिल्कुल क्लियर कर दी है ना। हम उन खुश नसीबों में आते हैं जिन्होंने जिनसे मोहब्बत की, उन्होंने हमें उसके लायक समझा और अपने घर में पनाह दी, रिश्ता दिया, पनाह दी। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि वो एक औरत मिल जाए ना जिंदगी में जिसके साथ सुबह तुम सोकर उठना चाहते हो, क्योंकि सोना तो आदमी सबके साथ चाहता है, फितरत ऐसी है, लेकिन सोकर उठना, बातें कर, जिंदगी गुजारना, जिसके साथ तुम बूढ़े होना चाहते हो, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा का जो ओपनिंग सीन है, बिल्कुल क्या बात। तो आपकी दुआ से हम वो खुशनसीब हैं। बहुत बहुत, और ये तो कुछ वैसा ही है, अच्छी है भाभी हमारी। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारी तो जूनियर है, एक मिनट। हाँ, ये अच्छा, तुम्हारी जूनियर है, इनकी भाभी, और ये इतने छाकड़ हैं कि दुनिया की सब भाभियों को ये अपनी मिश्री मिश्रित बातों से ऐसे रिझा के रखते हैं कि उनको लगता है कि साहब हिमांशु तो बड़ा अच्छा लड़का है। नहीं, ये है, ऐसा है, अरे आपको नहीं पता दुनिया की भाभियां भी, और मैं आपको वैसे बता रही हूँ, हमारी एक सीनियर है और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी है, और जो एक वो होता है ना जो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड का जी जी दर्जा होता है कुछ लोगों का जीवन में, तो हमारे एक सीनियर है बहुत और बड़े रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर है, असीम अरुण सर। तो जी जी, हाँ जी जी, इस वक्त तो वो बड़े हाई रैंक पर, उनकी वाइफ ज्योत्सना तिवारी मैम। और वो तो क्या हुआ कि हमारी उनसे बातचीत होती रहती है, वो भी लखनऊ की है, लखनऊ की आशिक भी हैं और लखनऊ में रहने वाली भी हैं और काफी पढ़ी लिखी जहीन वो हैं खातून है। तो उनसे हमारी बात होती रहती, तो वो मुझसे कुछ कुछ करती रहती थी कि अरे देखो एक किताब आई है और उसमें लखनऊ के क्या किस्से हैं और ऐसा है और वैसा है, इस तरह से। तो हमने देखा कि अरे तो इन्हीं की बात हो रही है, तो मैंने उनको कुछ बताया नहीं। तो इत्तेफाक से लखनऊ जाना हुआ हमारा, तो लखनऊ जाना हुआ था, एक प्रोग्राम इनसे भी टकराए, हिमांशु याद होगा आपको, यतीम जी। हाँ, अरे बिल्कुल याद है, बिल्कुल यतीम जी, इनको याद नहीं होगा इनको, आज आज उनका आज उनका बर्थडे है, तो उनको बर्थडे की भी मुबारकबाद यतीम जी। बिल्कुल भाई, हम लोग इस मंच से भी उनको सालगिरह की मुबारकबाद दे देते हैं, वो भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही सुसंस्कृत और बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं।
खैर, तो अभी कमिंग बैक टू द मेन थिंग, तो हम लोग वहाँ थे, तो अगले दिन मैंने इनसे कहा कि भाई देखिए आपको मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ और आपकी बड़ी एक प्रशंसक है यहाँ पर. और उनसे मैंने कुछ नहीं कहा, उनसे बस मैंने कहा कि भाई मैम मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ, मैं आई हुई हूँ लखनऊ और थोड़ा सा वक्त दीजिए. तो मैंने इनको पकड़ा और फिर मैं उनके घर पहुंची. और आपको याद होगा उनके घर का एड्रेस भी हम लोग को ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई. बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जैसे कि सच्चे प्यार का हमेशा जमाना दुश्मन होता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हम लोग को फाइनली वो एड्रेस मिल गया और हम लोग वहां गए. और जब गए और जब इन्होंने देखा कि स्वस्ति के साथ कौन आया है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही वो इतनी, जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हमें उनके चेहरे का रद्द अमल याद है, वो हिमांशु कहां से आ गए. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हिमांशु ये भूल गए कि स्वस्ति भी वहां खड़ी है, ज्योत्सना मैम तो भूल ही गई कि स्वस्ति भी वहां पे है कोई. और उसके बाद भी आपस में इनकी बात शुरू हो गई. तो मुझे इस बात का, मैं मतलब इस बात से ये बात बताना चाह रही हूँ आपको कि जो भाभियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन इनके अंदर एक ऐसी खासियत है, ये इनकी बड़ी एक खास बात है कि ये कोई भी स्त्री हो उसको अपनी अपना फैन फॉलोइंग में तुरंत शामिल कर लेते हैं. तो क्या मैं बात तो कहती है? रहती हूँ कि मैं भी हूँ भाई उसमें. और देखिये ज्योत्सना मैम जो हमारी इतनी फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, अब जब भी उसके बाद पता है जब भी हमारी उनसे बात होती है तो वो कहती है कि भाई स्वस्ति तुम हिमांशु को लेकर आई, मैं बहुत खुश हूँ और असलीम भी बहुत खुश है और हम लोग बहुत खुश हैं. तो ये बात है, ये अब इस बार आप लखनऊ आएंगे, आपको स्पेशल चौक की रामासरे की गिलौरी खिलाएंगे हम. हाँ यार, वो सौरभ शुक्ला सर है ना, उनको रामासरे की गिलौरी इतनी पसंद है. हम अनुभव सिन्हा दादा से बात कर रहे थे तो ये लखनऊ की मिठाइयों की चर्चा हुई, तो हम होंक दिए कि साहब राम आसरे की गिलौरी, तो राम आसरे की बोले अबे छोड़ो तुम लोग ताने रहते हो. और एक वो सौरभ शुक्ला है जो लखनऊ से आता है, उसके लिए एक किलो राम आसरे की गिलौरी, राम आसरे की गिलौरी. अच्छा ये बड़ी मशहूर है, मैंने भी नहीं खाई है वैसे, हालांकि मैंने लखनऊ में बहुत साल कथक सीखा है अर्जुन मिश्रा जी से. लखनऊ में क्या बात है, अरे अर्जुन मिश्रा जी के क्या कहने. जी हाँ, अब नहीं रहे अर्जुन मिश्रा जी, अनुज जी उनके बेटे हैं. हाँ तो वो है ना, वो निषादगंज. जी जी जी, मैं जानता हूँ, साल गई हूँ, गाड़ी चला के गई हूँ, आई हूँ, लेकिन कभी गिलौरी खाने की नौबत नहीं आई. तुमने कथक भी सीखा, तुमने एमए एमफिल भी कर लिया और फिर तुम जापान भी चली गई. हाँ पीएचडी करने के लिए. जी ये जो इतने, जैसे मैं अपने लिए मैंने एक शब्द आरक्षित कर रखा है, यथाशक्ति मूर्ख. तो सौरभ द्विवेदी को मैं यथाशक्ति मूर्ख पाता हूं, मतलब इतना एब्सेंट ऑफ माइंड, लेकिन आप तो यथाशक्ति काबिल हैं भाई. नहीं इसमें मेरी तारीफ नहीं है इतनी सौरभ, असल में देखिए ऐसा है कि मेरी जो माँ है वो बड़ी सुसंस्कृत महिला है और वो जिस जनरेशन की है उनको ऐसा लगता था कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कोई ना कोई ललित कला आपको आनी जरूरी है. तो वो खुद उनकी माँ थी, मेरी नानी ने, जी मेरी नानी ने उन लोगों को हिंदुस्तानी क्लासिकल सिखाया वगैरह वगैरह. तो जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने भी मुझे सारे आर्ट फॉर्म्स से इंट्रोड्यूस किया, इन जिसमें कथक था, जिसमें उडिसी था, जिसमें क्लासिकल सिंगिंग थी एटसेट्रा. और कथक जो था वो किसी तरह से जुड़ा रह गया. और उस वक्त हम लोग दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में एक संस्था है श्रीराम भारतीय कला केंद्र, आपने सुना होगा. जी तो वहां पर मैंने कथक सीखना शुरू किया, बिरजू महाराज जी से सीखा. तो फिर एक होता है ना, आप एक क्वालिटी की आपको आदत सी पड़ जाती है, फिर धीरे 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 आप आर्ट के मर्म को समझने लगते हैं, उसके आशिक बन जाते हैं, तो फिर वो आपकी जिंदगी से छूटती नहीं है. तो ये सिंगिंग कब तक की, सिंगिंग जी क्या चीज, सिंगिंग मतलब? नहीं डांसिंग. डांसिंग तो की, मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सिंगिंग भी, जो डांस वाले लोग हैं वो. नहीं देखिए तो ऐसा है कि सिंगिंग मैंने सीखी तो मुझे रागों की थोड़ी बहुत जानकारी है. अब रियाज नहीं है तो भूल जाती हूँ, लेकिन सीखी. उसकी वजह से शायरी में इंटरेस्ट पनपा, पोइट्री में इंटरेस्ट पनपा, उसकी वजह से फिलोसफी में इंटरेस्ट पनपा. फिर ऐसा हुआ कि जेएनयू आ गए, वहां पे फैज लिखे रहते थे हर जगह, तो फैज में इंटरेस्ट पनपा. फिर कुछ ऐसे दोस्त बने जिससे और शायरी में इंटरेस्ट और आगे हुआ. फिर मैंने उर्दू लिखनी सीखी. तो ऐसा वक्त था जब मैं चार जबानें लिख पढ़ सकती थी. अब तो मुझे लगता है जापानीज मैं भूल गई हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आदत नहीं है मुझे, तो भूल जाती हूँ. लेकिन उर्दू में तो अभी भी लिखती पढ़ती हूँ, तो उर्दू तो अभी भी, उर्दू की रवानगी अभी बनी हुई है. मतलब मुझे ये सुन के इतना सही लग रहा है, एक हिंदी में शब्द होता है विरुद्धों का सामंजस्य, वो आचार्य शुक्ल ने इस्तेमाल किया है. तुम फैज को भी पढ़ती थी और मेरे ख्याल से तुम यूथ फॉर इक्वेलिटी से इलेक्शन भी लड़ी थी. एक मिनट पहले जो आपने मुझे अभी, जो आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, इसी को उन्होंने ये भी इस्तेमाल किया, परस्पर स्पर्धी चारुता. क्या बात, परस्पर स्पर्धी चारुता. अच्छा, जो परस्पर स्पर्धी हो लेकिन चारु लगे, सुंदर लगे. अच्छा, चारुता परस्पर चारुता हमको बहुत पसंद है.
क्या पसंद है प्रभु? ये तुलसीदास ने नहीं पसंद है ये बताइए। चारू बहुत सुंदर शब्द है एक्चुअली। तुलसीदास ने भगवान राम के बाल रूप का जो वर्णन, सुभग नासिका में चारू लटकत लटकनिया, वो जो उनका ठुमक चलत रामचंद्र, चारू चारू वो सौंदर्य है जो अपने परफेक्शन में हो, जो अपने पूरे स्वभाव में। आप राम जी का प्रसंग लेकर आए, एक मैं ग्रेजुएशन में था, डीवी कॉलेज में पढ़ता था, वो रही मैं बीएससी कर रहा था, तो वहां पर एक राम कथा वाचक आए, मूलतः कानपुर के थे, प्रेम भूषण जी महाराज। वो इतने मधुर ढंग से राम कथा सुनाते थे कि पहली बार मेरी राम के जीवन में धार्मिक पहलू से इतर बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा हुई कि राम के चरित्र को, राम के काव्य को किस किस तरीके से कवियों ने बताने की कोशिश की। क्योंकि दीनदयाल विद्यालय में हम थे तो वो सब पढ़ते थे, सौरभ धीरथ तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है कि रावण रथी विरत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, कि राम और रावण का युद्ध होने जा रहा है, रावण तो रथ पर सवार है और राम विरथी है, तो विभीषण अधीर होता है। तो फिर बताया जाता है कि नहीं, जो तुम्हें लग रहा है कि राम जमीन पर खड़े हैं, राम के रथ हैं, उसमें पहिए हैं, और उस रथ का फिर वर्णन करते हैं तुलसीदास जी की, सौरज धीरज तेहरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ऐसे थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी। फिर प्रेम भूषण जी महाराज बड़े भाई की तरह हो गए, उनका सानिध्य मिलने लगा, तो वो एक भजन गाते थे। आपने चारू शब्द का जिक्र किया, तो वो भजन है कि राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गरी नहीं जाए। तो वो पूरा वर्णन है कि छोटे से राम जी हैं और वो सरयू के तट पर चल रहे हैं, पीछे पीछे माई घूम रही है और उसको ये चिंता है कि रेत ना चुभ जाए। ओहो क्या बात है। क्या बात। वैसे सौरभ भाई, अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है मानस का हंस, जी 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 मानस का हंस और खंजन नयन, अरे बहुत तुलसीदास जी पे इतने इतने मैं कहूँ इतनी आत्मीयता और इतने वात्सल्य के साथ लिखा गया है वो उपन्यास, बहुत ही अद्भुत है। ये सब जो हम लोग बातें भी कर रहे हैं, ये सब असल में देखिए उसी कैटेगरी में आएंगी, परस्पर स्पर्धी चारुता, कि ये आपस में कम्पीट करती हुई ब्यूटी है, किसको कम कहा जाए। तो ये पोएट्री का भी गुण है, ये लिटरेचर का भी गुण है, आर्ट का तो गुण है ही, तो आप इसको ये तय करना। स्वस्ति ने मुझे शब्द बताया है परस्पर स्पर्धी चारुता, कि इसको मैं और भी कई जगह कई दफा इस्तेमाल करूंगा। होता ही है, आप अपने आशिक को देखिए, हमेशा उसमें परस्पर स्पर्धी चारुता दिखती है, वो तुमको देखे कि तुमसे बातें करें, क्या है ये सब इस तरह की। जी जी जी, तो ये इश्क का बहुत बड़ा गुण है। सभी शब्द पढ़ के वो लिखा, वो समीर का ही है ना, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखा। हाँ तो वही है, तुम सामने भी हो करीब भी हो, तुमसे देखें कि तुमसे बात करें, उसी का कोलोकियल वर्जन है, समीर ने उसी का कोलोकियल वर्जन बनाया है। जी अच्छा, ये समीर तो ठीक है, लेकिन कोरोना की समीर बह रही है, हम लोग लॉकडाउन में। मुझे ये बताओ कि जैसे कई जगह स्कूलों की छुट्टी हो गई और ये ऐलान भी हो गया कि एग्जाम नहीं होंगे पहली से आठवीं तक, राज्यों से आया, यूनिवर्सिटीज इससे कैसे हैंडल कर रही है? जैसे आप एएमयू में पढ़ती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू मेरे ख्याल से। जी 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 बिल्कुल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है इस बारे में, क्या ये जीरो सेमेस्टर कर दिया जाएगा? देखिए यूनिवर्सिटी अभी इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि देखिए ये मेरा हंच है कि अभी इस चीज में इससे निपटने में हमें वक्त लगेगा, और ये एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो जाहिर है इस पे कोई फॉर्मूला तैयार नहीं है किसी के पास, लेकिन तो ये भी समझ में आने वाली बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। पर एट द सेम टाइम जो सैटिस्फाइंग बात है वो ये है कि यूनिवर्सिटी से हम लोग के पास, सबके पास एक सर्कुलर आया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, स्काइप पे क्लासेस अपनी लेते रहिए और जो जैसा है वैसा करते रहिए, और फिर देखेंगे कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। स्वस्ती, मैं ये इस कॉल पे आने से पहले अपने एक मित्र से बात कर रहा था, वो भी प्रशासनिक सेवाओं में ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जगह के, उनसे और उनकी वाइफ, दोनों लोग दोस्त हैं मेरे, दोनों अधिकारी, तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज कही। वो सुमी की जूनियर है, हिमांशु, सौम्या की जूनियर है, LSR की, सहारिश नाम है वो, इंडियन रेलवे सर्विस, रेलवे फोर्स में। सहारिश सिद्दीकी, हाँ हाँ तुम जानती हो? मैं जानती हूँ, मैं उनके एक सीनियर को जानती हूँ, चलिए कोई बात नहीं, स्मॉल वर्ल्ड। तो सारिश से बात कर रहा था मैं, तो सारिश ने कहा कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्क कल्चर कितने दिलचस्प ढंग से बदला, कि आदमी सब मोर्चे पर थे और औरतें दफ्तरों के काम कर रही थी,
फिर जंग के बाद आदमी लौटे तो ये नहीं हुआ कि औरतें वापस से घर में मिला जाएं, वो काम करती रही, एक बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, जेंडर दोनों ही जेंडर वर्क प्लेस में आए। तो क्या ये जब कोरोना का और लॉकडाउन का दौर बीत जाएगा तो हम एक बड़ा शिफ्ट देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस चीज पे फोकस करेंगी कि हम कैसे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? बिल्कुल, ट्रैफिक का लोड, पॉल्यूशन का लोड और रेंटल लोड और कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी बात आप कह रहे हैं। देखिए अभी कल परसों ही आई थी ना एक अपडेट आया होगा, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा कि कैसे एयर का क्वालिटी जो है वो दिल्ली की इतनी बेहतर हो गई है और अचानक मतलब वो सैटिस्फैक्ट्री लेवल पे आ गई है। कहां वो 400 के ऊपर हुआ करती थी, वेरी डेंजरस जोन से भी ज्यादा थी, अभी और 50 के नीचे आ गई है। तो इनके वजह से, और एक और अपडेट आया था कि एक एक्सटिंक्ट मैमल वो कोयम्बटूर केरला के किसी शहर में चलता हुआ दिखा और ये सब चीजें कुछ कुछ हुई, तो उसमें लोगों ने कहा ना कि प्रकृति जो है वो वापस रिक्लेम कर रही है। फर्जी फोटो भी बहुत वायरल हुई जो मूलतः जापान की थी पर बताया गया कि साउथ इंडिया की है, जिसमें सड़क पे बहुत सारे हिरन वो 12 सिंगा बैठे हुए हैं। नहीं वो तो जापान के नारा की है। हाँ, वही मैंने कहा वो जापान की नारा पार्क की थी और वो साउथ इंडिया की बताई गई। तो ये है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम फेक न्यूज फैलाने में करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरे ख्याल से इसके बाद ये पैराडाइम शिफ्ट आना अनिवार्य है मेरे हिसाब से, और अपरिहार्य है, दोनों है, इट इज इंडिस्पेंसिबल एज वेल, कि हम लोग इस बात को सीरियसली सोचना शुरू करें कि जब हो सके आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप अपने लेक्चर्स को इस तरह से केटर करें, इस तरह से डिजाइन करें कि ये सब चीजें संभव हो सके। मैं एक्चुअली ये जो पूरा सवाल पूछने का जिक्र करने का मकसद ही ये था कि वो वर्क फ्रॉम होम से मैं एजुकेशन की तरफ आऊं कि आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें ऐसा एक पूरा सिस्टम डेवलप करना होगा। बिल्कुल 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 चल रहा है और ये बहुत संभव है। ये मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की चीज है कि हम लोगों की आदत नहीं है और आदत ऐसी है कि क्लासरूम में बैठ के क्लासरूम में टीचिंग होने की एक आदत है, तो ये महज एक आदत है और कुछ नहीं, और इसकी कोई ऐसी खास प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। मेरा ख्याल है ये बहुत सीरियसली इस पर सोचना चाहिए कि हम लोग अगर ऐसे सिचुएशन आए या न भी आए तो हमारे पास ये एक्सपर्टीज डेवलप्ड हो जिसमें कि हम यहाँ पे बैठ के अपने लेक्चर्स डिलीवर कर सकें, स्काइप पे क्लासेस ले सकें और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मतलब वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। तो ये वरना आप क्या समझते हैं कि अगर एक महीना डेढ़ महीना पूरे देश का काम ठप हो जाए तो फिर ये कैसे इसमें काम चलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तो है ना हमारे पास, उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सके और उसके लिए बहुत, और इसके लिए देखिए ना, इसके लिए एक सिनर्जी की जरूरत है, इसके लिए एक बहुत ही कंबाइंड सिनर्जी की जरूरत है कि इसमें सब लोगों को आगे आके साथ में एक और एक 11 होना जरूरी है। इसके लिए कोई एक दीवाना कहता रहे कि नहीं मैं तो ऑनलाइन क्लासेस लूंगा तो बात नहीं बनेगी, एक सिस्टमिक सपोर्ट उसके पास होना चाहिए इसके लिए। आई थिंक द यूनिवर्सिटीज आर थिंकिंग वेरी सीरियसली ऑन दैट, क्योंकि हमारे पास तो ऑफिशियल आया है इसके लिए, सर्कुलर आया है एक, मैंने अपनी हामी भी भर दी है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तो स्वागत करती हूँ इस फैसले का कि बिल्कुल क्लासेस होनी चाहिए। ये है कोरोना ने एक चीज तो बता दी दुनिया को। हाँ। तो लोग ये सोचते थे कि भाई दुनिया उन्हीं के कंधों पर सवार होके चल रही है। हाँ। तो ये पता चल गया कि भाई दुनिया चलती रहेगी और दुनिया के चलने में जो खलल है वो इंसान ही है, तो दुनिया इंसान को रौंद के भी चल जाएगी, है ना? तो वो एक हमारे मित्र हैं अमीश त्रिपाठी जो नॉवलिस्ट हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये बड़ा हास्यास्पद लगता है जब इंसान कहते हैं सेव अर्थ, क्योंकि अर्थ की जो जिंदगी है वो तो अरबों बरस की है, आप अर्थ मत बचाइए, सेव योरसेल्फ, ताकि अर्थ ऐसी करवट ना ले कि तुम भी एक गुमशुदा स्पीशीज में तब्दील हो जाओ। ये इस पर एक बात मैं आपसे बताती हूँ, ये आपने सुना होगा ना युवाल नोआ हरारी, अरे अद्भुत आदमी, अभी उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, कोरोना में भी लिखा अभी कि कैसे दुनिया को बदल देगी जो आपत्ति। तो ये जो ये स्पेशली उनकी तो किताबों के बारे में तो मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं बताने की, सब लोग जानते हैं उनकी कौन सी इम्पोर्टेंट किताब। नहीं नहीं, कई लोग नहीं भी जानते होंगे, तो एक सेकंड मैं आपको रोक के बता दूं, युवाल नोआ हरारी बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही महात्मा गांधी किस्म के आदमी हैं, और ये मैं बहुत बड़े मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, महात्मा गांधी किस्म के आदमी से मेरा तात्पर्य है कि बहुत ही अपने ज्ञान को लेकर बहुत ही सरल हैं, स्पष्ट हैं और सरस भी हैं,
और यदि आपकी इंसान की जिंदगी में दिलचस्पी है तो सबसे पहले आपको उनकी किताब है सेपियंस, वो पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी। उसके बाद उनकी दूसरी किताब आई होमोडियस, भविष्य के इंसान कैसे, उसको पढ़ना चाहिए। और तीसरी किताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो ज्ञान के कारोबार में है, जैसे हमारे जैसे पत्रकार, आपके जैसे टीचर या हिमांशु जैसे किसान, कि कैसे जटिल से जटिल, जी 21st सेंचुरी अद्भुत हैं तीनों किताबें। ठीक, आप उनके लेक्चर के बारे में बता रही थी स्वस्ति। हाँ, तो मैं उनके बारे में यही बता रही थी कि उनका एक अभी कोई इंटरव्यू था इसी कोरोना वायरस और कोरोना पे जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसके उसके बाबत, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए जरूरी क्या है कि लॉकडाउन या आइसोलेशन इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये आते रहेंगे, ये वायरसेस म्यूटेट होते हैं, तो सार्स है या इबोला है या उसके बाद जो, तो ये वायरसेस के आने का सिलसिला नहीं थमेगा, इनकी एक अपनी एक अपना लॉजिक है इनका, तो आइसोलेट करना इसका स्टॉप गैप अरेंजमेंट है पर इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप ये वॉच करें कि ये जो बाउंड्री है जो वायरसेस वायरसेस की दुनिया में रहें इस तरह के एनिमल्स के और वायरसेस की, और होमोसेपियंस के स्पीशीज में ये बाउंड्री क्रॉस ना करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जाहिर है ये कैसे होगा, क्योंकि सुनने में ये तो बहुत ग्रैंड बात है कि भाई ये कैसे होगी, यही तो सब चीजों का एक तरह से मूल मंत्र है कि होगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में केवल एक बहुत ही डीप इंटरनेशनल सॉलिडारिटी के साथ ही संभव है, जिससे उनका मतलब ये था कि आप इस ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ये ना समझें कि ये एक इकोनॉमिक मैनिपुलेशन की अपॉर्चुनिटी है कि चाइना का मार्केट बंद है तो अमेरिका को फायदा होगा, अब अमेरिका टेंशन में है कि चाइना में, चाइना के वुहान में तो वापस फैक्ट्रीज शुरू हो गई, हमारी इकोनॉमी तो बड़ी संकट में है। तो इसको अगर आप ऐसे देखते रहेंगे तो हम एज अ ह्यूमन रेस हम इन चीजों से कभी मुक्त नहीं हो सकते, इनसे हम बच नहीं सकते क्योंकि ये आते रहेंगे। तो ऐसे में जरूरी है कि आप एक बहुत डीप इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे सॉलिडारिटी को फाइंड करें, और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसके लिए पुश करें। और जैसे कि उन्होंने कहा कि इटली में लॉकडाउन हो गया, तो अब जरूरी ये था कि जितने दुनिया भर के बड़े तमाम ताकतवर देश हैं वो सब के सब वहां पर उनको हेल्प करें, उनको इकोनॉमिक हेल्प करें, और इसको हेल्प करें वो वाली हेल्प नहीं जो वाशिंगटन कंसेंसस में लोन दिया जाता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के लिए, उस तरह का लोन नहीं, वो न्यू लिबरल आर्ग्यूमेंट के तहत नहीं बल्कि सचमुच ह्यूमैनिटेरियन आर्ग्यूमेंट के तहत दें। तो उसका उसके युवाल ये नोआ हरारी के हिसाब से इसका इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। और जो जिसका जिक्र हिमांशु भी कर रहे थे कि जिनको ये भ्रम है कि कांधे पर उनके जमाना टिका है, लगभग मोटा माटी 8 अरब के चाय लगभग बना देना गया, सॉरी चाय पीने की तो हो रही थी। हाँ, चाय, आप लोगों को चाय पीनी है? अरे जेरी मेरा लोटा भर दो पानी का। हम किससे गए, हमें तो खुद ही जाना पड़ेगा। अंबुज कहाँ गए? अंबुज कहीं बाहर सहराओं में भटक रहे हैं। तुम यार किस तरह के आदमी हो, वो बाहर कैसे भटक रहे हैं, फिर लॉकडाउन किस बात का हुआ? बाहर नहीं, घर के बाहर, मतलब यहाँ ये कमरे के बाहर। अच्छा, तुम बर्तन ठीक से नहीं धोए, वो पौधों में पानी वानी दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये बीच बीच में क्या करते हैं, ये कभी कभी इतने बुरे बर्तन धोते हैं कि उसका मूड खराब हो जाता है। नहीं नहीं, वो बहुत बहुत भला बच्चा है, वो बहुत भला लड़का है। और अच्छा, तुम्हारे जैसे छाकड़ के साथ जिसे सर्वाइव करना हो तो भला बन के ही रहेगा। अरे नहीं, ऐसा ना करें, इतने चार्मिंग आदमी को बताइए आप क्या क्या बोल रहे हैं। अरे ये चार्मिंग आदमी है और मैं इनके माथे का दिठौना हूँ स्वस्ति जी। ये सही है यार, मैं बीच बीच में इनको दरेड़ा देता रहता हूँ। अच्छा, ये सही है, ये सही। इनको क्या लगा था बेटा तुम ही बातें छोड़ सकते। अरे मैं ये कह रहा था, जो हम लोग गंभीर बात कर रहे थे कि दुनिया की लगभग 8 अरब की आबादी है। मैं चूंकि लगातार हम लोग कोरोना के बारे में खबरें कर रहे हैं, और लल्लन टॉप जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जो मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरी पहचान है, उसमें हमारा इस बात पर बड़ा जोर रहता है। जब भी हम लोग कभी धार्मिक खबरें करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई धार्मिकता और आध्यात्मिकता का फर्क समझिए। आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, इंसान क्योंकि अंततः यहां से ही है, अपने साथ वो अकेला रहता है, उसकी आत्मबल की मजबूती होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो अहंकार है, दिखावा है या श्रेष्ठता का बोध है कि हम सबसे अच्छे हैं, जो धार्मिक पोथियों की कई बार गलत व्याख्या या कई बार कुछ पोथियों पर ही टिकी रहने से जो एक श्रेष्ठता की भावना आती है, ये हमारा धर्म सबसे अच्छा है,
कभी वो किसी किसी भी धर्म वाले को लग सकता है। आप सारे ही धर्मों में देखेंगे तो आपको कट्टर पंथ का एक धड़ा दिखेगा। लेकिन जब हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि एक बाल या एक बूंद का अरबवां हिस्सा जी छोटा हो सकता है जी। तो अरबों की आबादी को एक बूंद के अरबवें हिस्से ने उसकी हैसियत बता दी है कि साथ रहो, लड़ो भिड़ो नहीं, और तुम्हारी इकलौती पहचान यह है कि तुम एक स्पीशीज हो इवोल्यूशन के क्रम में जो होमो सेपियंस है। तुम्हारी जात, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारा मजहब, तुम टोपी पहनते हो कि टीका लगाते हो, किस मुल्क के हो, वायरस ये भेद नहीं करता। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है। ये वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव में देखें तो सचमुच ये बहुत हम्बलिंग होते हैं। आपको अचानक अपनी अपने जिसको कहते हैं ना कि अपनी अपनी औकात का एक तरह से बहुत अच्छी तरह से लिमिटेशंस का अपनी उनका आपको बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम क्या हैं इस पूरी दुनिया में, हम क्या हैं, कहाँ हैं, हम ब्लू डॉट हैं। कार्ल सेगन ने बहुत पहले कहा हमसे कहते थे कि हिमांशु जिंदगी के तिलिस्म को मौत के आईने में देखना चाहिए, ये तभी खुलता है। उस वक्त तो नहीं समझ में आती थी वो बात, लेकिन अब समझ में आती है बिल्कुल। ये जो यक्ष प्रश्न है आखिरी जी, जो युधिष्ठिर और यक्ष संवाद है, तो वो आखिरी प्रश्न भी यही तो है कि दुनिया का सबसे बड़ा आचरज क्या है, यक्ष पूछता है। क्या बात है, वाह। और युधिष्ठिर कहते हैं कि आदमी रोज मरता है, रोज पैदा होता है, फिर भी आदमी को ये भ्रम है, वो ऐसी हरकतें करता है गोया वो अजर अमर है। क्या बात, तो ये तो बड़ी बढ़िया बात हो गई। अच्छा ये बताओ कि ये तो यूनिवर्सिटी में तुम कह रही हो कि फ्यूचर जो है वो अब ऑनलाइन क्लासेस और ये सब होना चाहिए, मेरी समझ में ये पैराडाइम शिफ्ट आना चाहिए और आएगा। जो पैराडाइम फर्स्टली थोड़ा अलीगढ़ के बारे में बता दीजिए, एएमयू के बारे में, मतलब वो जगह बहुत। हाँ, आपका अलीगढ़ और आपका एएमयू दोनों ही खबरों में रहते हैं। नहीं, खबर मेरे लिए तो अलीगढ़ मजाज और नहीं, मेरे लिए भी अलीगढ़ भाई, बिल्कुल मेरे लिए भी अलीगढ़। अलीगढ़ आने के पहले जब हम लोग अलीगढ़ ट्रांसफर हुआ तो अलीगढ़ हमारे लिए भी मजाज का शहर था, और ये सब हम लोग उर्दू स्टूडियो में सुनते रहते ना कि मजाज जो है वो हर अलीगढ़ की लड़की के दिल की धड़कन है आज भी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके उनके तराने और उनकी तमाम शायरी, मतलब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और नीरज, गोपाल दास नीरज, तो इनका शहर था, और उसके अलावा तालों का शहर था। और जब मैं यहाँ, उसके अलावा देखिए, जैसा कि होता है कि हर चीज आपको, क्योंकि मैं पर्सनली एएमयू को रोमांटिसाइज करती थी, आप जाहिर समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग सब ये फिल्में देख के बड़े हुए हैं, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, जिसमें वो शेरवानी पहनकर आ रहे हैं, उनकी किताबें लड़ जाती हैं, फिर वो गिर उनको फिर प्यार भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो ये सब आपको, ये सब तसव्वुर होता है अलीगढ़ का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि वहां पर तो शायद गालियां भी शेर व शायरी के माध्यम से दी जाती होंगी वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता, और रोमांटिसाइज करना एक दूरी के साथ ही संभव है। जब आप यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, तो आपको उसकी असलियत से भी मेरा ख्याल रूबरू होना पड़ता है। तो देखिए, असलियत ये है कि मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म की कमी है यूनिवर्सिटी में, प्रोफेशनलिज्म की कमी है। यहाँ पे बहुत टैलेंट है, और माशाल्लाह बच्चों में बहुत मेरा ख्याल है जो पढ़ने की लगन भी है, पर प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इसको ये दूर करें। और क्या कहूँ आपसे, हाँ, दूसरा मुझे स्वस्ति ये लगता है कि एएमयू जिस मकसद से बना था, ये बात मैं अपने शोज में भी कहता हूँ, फिर कहूंगा, एक दफा मुझे एएमयू पिछले ही साल जब वहां पे लिट फेस्ट हुआ था, आप आए थे शायद, आप आए थे, मैं टच में नहीं था तो मुलाकात नहीं हो पाई। जब मैं एएमयू वालों से ये कह के आया था कि तालीम का जो हंडा है, हंडा हमारे यहाँ पेट्रोमैक्स को कहते हैं, जो तालीम की रोशनी है, ये
आप आइडेंटिटी और बाकी सब चीजों को लेकर कितने भी फिक्रमंद रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यदि आप साइंस नहीं पढ़ेंगे, अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं करेंगे, तो आप असुरक्षा के और अन्याय के भाव से घिरे रहिए, लेकिन आप ना तो मुल्क की तरक्की में आगे बढ़ के हिस्सेदार हो पा रहे हैं। दूसरी चीज मुझे लगती है एएमयू में कि एएमयू अपना क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक वो तुरंत अपनी परंपराओं से लिपट जाएंगे। नहीं साहब, हमारे एएमयू में तो ऐसे ही होता है, क्योंकि जेंडर को लेकर आप देखें एएमयू में, हॉस्टल्स में, मेस में, कर्फ्यू टाइमिंग्स को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, ड्रेस कोड को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो घोषित अघोषित रूप से वहां लागू हैं, कभी परंपरा के नाम पर, कभी यही ठीक है इसके नाम पर। मुझे लगता है कि एएमयू को अंदर से इस चीज को भी चैलेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक है मेरा, और ये बड़ी, और चूंकि आप समझ सकते हैं कि हम लोग जेएनयू जैसे जैसी पृष्ठभूमि है अगर हमारी, तो हमें तो खैर दुनिया में तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर भी शायद एडजस्ट करने में दिक्कत आए, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही लिबरेटेड और बहुत ही ओपन सोसाइटी से आते हैं। सचमुच जो कार्ल पॉपर की ओपन सोसाइटी है, मेरा ख्याल है जेएनयू का एक मतलब नुमाइंदगी करता है। तुमको कोई कम्युनिस्ट गुंडा नहीं कहता है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जेएनयू में जितने पढ़ते हैं सबके सब कम्युनिस्ट है। नहीं नहीं, ये है, इस तरह का स्टीरियोटाइप है। देखिए, ये स्टीरियोटाइप्स की प्रॉब्लम है ना सौरभ, ये स्टीरियोटाइप की प्रॉब्लम है। जैसे कि लोगों को लगता है कि जेएनयू में पढ़ने वाले सब कम्युनिस्ट हैं, वैसे ही एएमयू में पढ़ने वालों के लिए लोगों को लगता है कि एएमयू में पढ़ने वाले सब लोग शेरवानी पहनते हैं। मैं कहने वाला था कि एएमयू में मैं 2-3 बार जब गया और मैं रहा भी हूँ वहाँ कुछ दिन, और मेरी शायद किस्मत अच्छी थी, मुझे बहुत मोहब्बत मिली वहाँ, तो मैंने ये समझा कि हर तरह के लोग हैं वहाँ भी, कुछ तो बहुत ही बिल्कुल ही उसी धारा के हैं जैसे आप जिनकी बात कर रहे थे, कुछ एकदम ही बिल्कुल क्रांतिकारी, बिल्कुल दीवाने, इंकलाबी। तो मोहब्बत देखिए हिमांशु, हमारी तो आपकी मतलब हमारा आगे पीछे सेशन था हमारा आपका, जी है ना, तो मोहब्बत तो खूब मिलती है एएमयू से, और जब एएमयू के साथ कुछ नाइंसाफी भी होती है किसी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, तब भी हम लोग वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसीलिए आप इस देश का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जेएनयू हो, एमयू हो, कोई भी हो, यदि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है तो आप कहेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप एक पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हैं, आपसे सवाल ना पूछे जाए। देखिए इससे क्या हो जाता है ना, इससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है ना, इससे खास तरह की कुंठा आ जाती है, ठीक है, और वो नहीं घर करनी चाहिए। जब हमें खास तरह के सवालों से या खास तरह के बदलाव से जब हम बचते हैं, खास तरह के संवाद से बचते हैं, खास तरह के क्रिटिसिज्म से बचते हैं, जिसको हम लोग, जिसको उर्दू में, जिसका बड़ा अच्छा शब्द है हिमांशु जानते होंगे, इख्तलाफ की डिसेंट, इख्तलाफ डिसेंट, हाँ मतभेद, उससे जब बचते हैं, उसके लिए हम जब उसके लिए मतलब हमारे मन में एक स्वागत का भाव नहीं होता, हमेशा ये रहता है कि अरे अगर ये हमसे सवाल पूछ रहे तो हमारी आइडेंटिटी पे अटैक कर रहे हैं। जब तक ये इनसिक्योरिटी रहती है, तब मेरा ख्याल है कि ये कुंठा जन्म लेने लगती है और हमें पता नहीं चलता। उससे एक खास तरह की एरोगेंस आ जाती है, खास तरह का मेरा ख्याल है एक मेंटल डिस्कम्फर्ट आ जाता है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हाशिए पर सिमटते चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एएमयू के साथ ये हो रहा है, और जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही, पर आप पॉलिटिकल, आप अपने विक्टिमाइजेशन को और भी ज्यादा आया क्यों कर रहे हैं ये करके, राइट? हाँ, तो विक्टिमाइजेशन है, और उसके बाद फिर आप विक्टिम का कार्ड भी प्ले करें, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को लेकर न केवल संवेदनशील है, बल्कि इस बात को लेकर परिवर्तनशील भी है, जो इस बात की मेरिट को समझता है कि भाई हमें इन जनरल, अगर हमें देश के मुस्तकबिल में अगर हमें कुछ योगदान करना है तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पे बार बार कहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे उर्दू से रिलेटेड प्रोग्राम्स में मैं जाती हूँ, और उर्दू के बहुत उर्दू रिवाइवल, उर्दू दिवस, ये सब जो मनाए जाते हैं वहाँ पे जाती हूँ, सर सैयद अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में मैं यहाँ जाती हूँ, तो मैं 2-3 चीजें हमेशा कहती हूँ उस मंच से, जो एक चीज मुझे बहुत, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो मैं सचमुच कहना चाहती हूँ कि अगर आप उर्दू को वाकई है, उर्दू जो है वो सचमुच नौजवानों को पसंद है और ये सब है, लेकिन अगर आप सचमुच उसको उससे निकालना चाहते हैं ना, तो उसको धर्म से मुक्त करिए, वहां पे उर्दू के बारे में बात करिए, वहां पर उसको इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स वाला उसको वैसा उसको वो मत पहनाइए, तो उससे मेरा ख्याल है उर्दू के साथ सचमुच वो न्याय होगा जो वो डिजर्व करती है ज़बान।
वो ये चीज मैं बार बार करती हूँ। ये स्वस्ति, देखो मैं स्वस्ति बोल रहा हूँ और मैं स्वस्ति बोलते बोलते मेरे मुंह से जया निकल रहा है। नहीं तो आप तो ये बताइए आपको मेरा जया नाम कैसे पता है वैसे? ये भैया ये LIU में काम कर चुके हैं पहले। ओहो लग रहा है मुझे, लग रहा है। चलिए वैसे एक नाम और है वो ना पता रहे तभी बेहतर है, वो नाम पता चल गया आप लोग मेरी बहुत खिंचाई करेंगे, इसलिए स्वस्ति और जया तक मैं बिल्कुल। अब हम तुम्हारे जो गुड्डी पिंकी टाइप के नाम है वो नहीं बोलेंगे स्क्रीन पे। ठीक है ओके डन। ये जो तुम बात कह रही हो ना, हमारे एक दोस्त है, हमारे क्लासमेट थे, अभी सिलचर में प्रोफेसर है हिंदी के, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज, ये अंग्रेजों के जमाने में कॉलेज जहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेन किया जाता था, और जो हिंदी और उर्दू की फांक शुरू हुई है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, और अंग्रेजों को लगता है कि ये तो दो अलग अलग नस्लें हैं हिंदू और मुसलमान, इनकी एक जबान कैसे हो जाती है। फिर वो हिंदुस्तानी में जब अरबी के शब्द भरे गए तो वो उर्दू, और संस्कृत से शब्द भरे गए तो वो हिंदी, वो पूरा पॉलिटिक्स। मैं हितांशु से अक्सर कहता भी रहता हूँ कि तुम्हें विस्तार से लिखना चाहिए, क्योंकि इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। तो सौरभ ये भी इसलिए है, देखिए वो भी इसलिए है कहीं ना कहीं क्योंकि ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है और इस नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए काउंटर नैरेटिव तैयार नहीं है, क्योंकि जो उर्दू दां है वो खुद ही मजाक उड़ा देंगे आपका। उर्दू दानों के साथ क्या प्रॉब्लम है? उर्दू दानों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उनके सामने कोई अपस्टार्ट उर्दू बोले तो वो फौरन ही उसके तलफ्फुज़ का मजाक उड़ा देंगे, वो तो वो बेचारा जो है वो। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पता है ये इसमें ये बात हमेशा हम भी कहते हैं जी। हाँ सर, एक सेकंड हिमांशु, लेट अप फिनिश। हाँ नहीं मैं यही कह रही थी, जो ये कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है ना कि इसके लिए आपको थोड़ा सा ना, मतलब आपको फ्रेंडली होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए। आप कैसे ये उम्मीद करेंगे कि, क्योंकि देखिए अब पहले तो हमारे गानों की जो जबान थी वो बड़ी परिष्कृत थी, जो एक से एक शायरी जो है वो हिंदी फिल्मों में हुई है और ये सब है, और पहले लिटरेचर इन जनरल अदब जो था वो हमारे उसका पार्ट था, हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट था। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे पता था कि मिर्जा वो है ना हादी हसन रुस्वा ने उमराव जान अदा लिखी है और उसके बाद उमराव जान पर फिल्म बनी है, ये मुझे बाद में पता चला। लेकिन अब जो जनरेशन है, जो 90s में बॉर्न है, जो 2000s में, जो मिलेनियल्स हैं, उनको नहीं पता है ये सब, वो अलग तरह से उनका जो बचपन है वो घिरा रहा है चीजों में। तो मेरा एक हमेशा एक ये कंटेस्टेशन रहता है कि आप उनका मजाक मत उड़ाइए, उनको एक्सेप्ट करिए। आप पहले ही उनका मजाक उड़ा देंगे, अरे तुम्हें तो यही नहीं पता, अगर आप स्नियरिंग रहेंगे ना उनके प्रति, स्नियर मत रखिए। ये चीज मैं एक देखती हूँ कि उर्दू दानों के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो स्नियर बहुत करते हैं। अरे देखो यहाँ तो ग होना था, तुम्हें गैन का नहीं पता, तुम्हारा शीन काफ दुरुस्त नहीं। अरे नहीं दुरुस्त है तो कर दीजिए ना, नहीं दुरुस्त है तो कर दीजिए, लेकिन कम से कम वो उसको बोलने में इंटरेस्टेड है। जैसे हमारे हिमांशु तमाम नाज़नीनों के शीन काफ को दुरुस्त करते रहते हैं। मैं एक थोड़ा सीरियस बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मुनाफ़कत है ना, ये शुद्धतावादी की सही बात है कि उर्दू के जो शुद्धतावादी हैं वो ये तो कहते हैं कि भाई इसने नुक्ता नहीं लगाया, इसने जा को जा बोल दिया, लेकिन यही लोग जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का अगर जरा सा भी गैर मानूस यानी अपरिचित लफ्ज आ जाता है तो ये कहते हैं अरे तो शुद्ध हिंदी हो गई, और हिंदी इतनी गलत बोलते हैं, प्रदीप नहीं बोल सकते प्रदीप बोलेंगे, प्रकाश नहीं बोल सकते प्रकाश बोलेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है आई थिंक रेखता का ही कोई सेशन था जिसमें जावेद अख्तर ने इस बात को बहुत बिल्कुल, वो तो हमेशा कहते हैं इस बात को, हमेशा कहते हैं, और मैंने हाँ मैंने भी वहां सुना था कि ये जो स्टीयरिंग एटीट्यूड है ना ये दोनों तरफ को छोड़ना पड़ेगा, तो आप इसमें कुछ बात बन सकती है फिर, वरना तो फिर यही होता रहेगा। इसमें जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, उस्ताद शायर थे 20वीं सदी में, उनसे ज्यादा मकबूल शायर कोई नहीं हुआ, उनका शेर है कि लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज़ से नहीं, लफ्ज तासीर से बनते हैं तलफ्फुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बान से आगे। क्या बात है, दिल वाले हैं ना वो ज़बान वालों से आगे हैं, लफ्ज असर से बनते हैं, असर है आपके लफ्जों में या नहीं, आप कितने अच्छे तलफ्फुज़ में कितनी घटिया बात करेंगे वो घटिया ही रहेगी, झूठ ही रहेगा, आप खराब तलफ्फुज़ में दमदार बात करेंगे उसका असर होगा। अच्छा ये हमने AMU की बात कर ली और AMU के बहाने AMU के बारे में एक बात जो AMU से वाकिफ नहीं है उन लोगों तक मैं जरूर कहूंगी कि AMU जैसा खूबसूरत कैंपस शायद ही मिले। भाई हम JNU वाले, हमें JNU के आगे कुछ जंचता नहीं है, और हमें JNU की वो टेढ़ी मेढ़ी जो ऊंची नीची जो ये पगडंडियां हैं और सड़कें हैं और अरावली की पहाड़ियां हैं वो हमारे
बिल्कुल एच्ड है हमारी कॉन्शियसनेस में, हम उस कॉन्शियसनेस के ही बाशिंदे हैं. लेकिन एएमयू का भी जो कैंपस है वो बहुत खूबसूरत है, और स्पेशली इस महीने में ये है ना, ये जो वो आग सुलगाओ आप गिनों में फूल खिलते हैं इन महीनों में, तो जब आप एएमयू में इस वक्त निकलते हैं तो बिल्कुल आपको वही याद आता है, फैज की लाइनें याद आती हैं कि दिले वो है ना, इनको याद होगा हिमांशु को, दिले उस शाख की खबर लेना फूल खिलते हैं इन महीनों में. तो बिल्कुल एएमयू जो है वो बिल्कुल इस वक्त फूल, ये मेरे लिए इतना खूबसूरत और अचरज से भरा हुआ है कि स्वस्ति का ये वाला रूप कि ये जो इतनी मौसकी में शायरी में, यही इनका असली रूप है भाई, यही तो है रूप इनका. अच्छा तो आपको क्या रूप पता था भाई, यही बता दीजिए. इसका इसका एक, मैं आपकी जूनियर हूँ. नहीं नहीं मैं बता तो रहा हूँ, इसका एक तो था कि ये ना थोड़ा सा इसका जेएनयू में थोड़ा उस टाइप का भी भोकाल था कि नो नॉनसेंस एटीट्यूड टाइप का, और अरे बापरे, और एक इसका देखो मुंह से जया निकल रहा है बार बार, एक इसका ये भी था कि वो जो इंग्लिश पिक्चर टाइप की लड़कियां होती है ना थोड़ी सी, मतलब हम जब लंच बॉक्स खोलेंगे तो हमारे लंच बॉक्स को खोलते ही पराठा झांकेगा और किनारे आम का अचार धरा होगा, लेकिन ये लंच बॉक्स खोलेगी तो उसमें सैंडविच कटलेट टाइप के अंग्रेजी किस्म के नाश्ते होंगे. अच्छा तो ये ग्रीन टी पीती थी या ये चाय पीती थी, साधारण चाय पीती थी दूध वाली? देखिए आप लोगों की थियोरीज को बिल्कुल मैं धता बताते हुए बिल्कुल अदरक की चाय पी रही हूँ, ये देखिए. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की खूबी ये है कि आप वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, आप केंद्रवादी हो, कोई भी वादी हो या सारे वादों से मुक्त हो, वो आपको धीमे धीमे डिक्लास जरूर करता है. बिल्कुल, मतलब जब आप गंगा ढाबा की प्रस्तर खंडों पर बैठते हैं तो आपको ये इल्हाम हो जाता है कि एक रोज तो हमें भी बस जीवाश्म बन के इन्हीं पहाड़ियों इन्हीं पत्थरों के टुकड़ों के बीच कहीं पाए जाएंगे हम भी लाखों करोड़ों वर्षों बाद. तो हाँ, ये बात जो थी वो मैं आपके माध्यम से, बहुत बड़ा आपका, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है सौरभ आपकी और ललन टॉप की, और तो ये है जरूर कि एएमयू को सिर्फ देखने के लिए सही, लेकिन आए जरूर एक बार, और यहाँ आपको जो मेहमान नवाजी मिलेगी आई एम श्योर वो आपने जरूर महसूस करी होगी, मेहमान नवाजी मिलेगी, जो मोहब्बत और जो शफकत और इस तरह की चीजें जो मिलेंगी वो आपको बहुत मिलेंगी, और बड़े यहाँ कल्चर्ड लोग हैं, और एक से एक मैं एक यहाँ पर होली मिलन होता है, विमेंस क्लब है यहाँ एएमयू में, तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो होली के बाद उन्होंने एक वो प्रोग्राम करते हैं, तो जो उन्होंने पिछले साल किया था होली पर वो ऐसे उन्होंने किया था कि वहाँ यहाँ पर पर्शियन की जो एक प्रोफेसर है उन्होंने पर्शियन पोएट्स ने हिंदू त्योहारों पे क्या क्या लिखा है उसके ऊपर उनकी पूरी टॉक थी, और क्या बात है. अब मैं तो भाई पर्शियन की कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं, जनरली हम लोग केवल नज़ीर अकबर आबादी और थोड़ा बहुत ही जानते हैं जिन्होंने होली के बारे में लिखा है, और उर्दू शायरों के बारे में हम फिर भी जानते हैं, लेकिन पर्शियन पोएट्स ने हिंदू त्योहारों के बारे में क्या क्या लिखा है, तो इस तरह की यहाँ पे तमाम चीजें होती हैं, तमाम लाला और गुहर यहाँ बिखरे हुए हैं. तो अब आपके पास नजर होनी चाहिए और नजर के लिए पहुंच होनी चाहिए, और पहुंच के लिए मेरे ख्याल से मन से ये तमाम जो डायकोटोमीज हैं वो हटा देनी चाहिए. ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कुछ मतलब जिसको हम कहते हैं ना पात्र खाली लेकर जाना होगा तभी तो उसमें कुछ भरेगा, पहले से ही प्री कंसीडर. अच्छा ये बताओ स्वस्ति की, तुम जापान भी रही, तुम्हारी पीएचडी वहीं से है ना? जी 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 जापान में. हाँ जी, जापान में कहाँ से? जापान में सुकुबा साइंस सिटी. आपने ये सब पिक्चरें देखी हैं, ये अरे कौन सी पिक्चर है जिसमें रोबोट मर्डर करता है सबके, मारता वारता है सबको, 80s में मूवी बनी है, तो वो जितना ये सब जो ग्राफिक ये सब तो तैयार होता था ये सब सुकुबा में होता है. सुकुबा का पूरा नाम ही सुकुबा साइंस सिटी है, तो विच इज नोन फॉर रोबोट डेमोक्रेसी थ्योरी की लाइट में इसके ऊपर मैं काम कर रही थी. अच्छा मुझे ये बताओ कि हम लोग जब मतलब जापान भारत की किंवदंतियों का एक बड़े खास किस्म का हिस्सा है जापान, मतलब हमने इस तरह के वाकई अपने गांव में सुने हैं, और जब कोई बात हमारे गांव तक पहुंच जाए तभी हमें लगता है कि बात हुई है. मतलब
मतलब पिछले पिछले साल तक हमको लगता था कि अमेरिका कोई देश है नहीं, अमेरिका एक ख्याल है, एक बहुत बड़ी पिक्चर है जिसकी शूटिंग चल रही, जगह जगह कैमरे लगे और हमको बता दिया जाता है ये जो दिख रहा है ये न्यूयॉर्क है, ये मैनहट्टन है, ये सैन फ्रांसिस्को है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके बताते थे कि अमेरिका ऐसा। जब हम हो आए, अपनी आंखों से हमने देख लिया कि अमेरिका क्या है कैसा है, तभी हमें एतबार हुआ। हमारे गांव में किस्सा ये पहुंचता है कि साहब हिमांशु जी कहां चले गए, हाँ आ गए, हाँ जी सुन रहे हैं, तो बराबर है भाई, बराबर है, हम तो देख रहे हैं उनको बीच में। तो हमारे यहाँ किस्सा ये है कि साहब एक बार हिंदुस्तान के एक नेताजी मंत्री जी जापान के दौरे पर गए और एक सुबह उनको कहीं जाना था प्रोग्राम में, लेकिन वो सुबह उठे, उन्होंने अखबार वगैरह जो वहाँ जापानीज में थे तो वो दुभाषी से पूछा कि भाई क्या है यहाँ की आज बड़ी खबरें। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ के तो वो जो पिछले राष्ट्रपति थे उनका देहांत हो गया। तो मंत्री जी ने सुना, वापस गए, कुर्ता पजामा कड़क कलफ वाला पहन रखा था, तो पजामा जामा उतार के और लुंगी लपेट के बैठ गए आराम से। अच्छा, तो थोड़ी देर में उनको लेने के लिए वो ऑफिसर आए, प्रोटोकॉल ऑफिसर। उनका सर चलिए आपका वो कार्यक्रम है, आप तैयार नहीं है। उनका अरे तुम्हारे तो वो पूर्व राष्ट्रपति का देहांत हो गया, तो हमको लगा कि अब तो नेशनल हॉलीडे होगा, सब शोक में होंगे। तो उसने कहा सर शोक तो है, लेकिन जो गुजरे हैं वो मजदूरों के नेता थे, इसलिए मजदूरों ने ये तय किया है कि आज वो एक घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो हम जापान और जापान के अनुशासन के बारे में गांव में इस तरह के किस्से सुनते थे। तो कैसा है जापान? है, जापान वाकई वैसा है। और जैसा आपने कहा कि भाई हर किसी के कहीं ना कहीं, ये जो तमाम मुल्क है ना, ये अमेरिका है, जैसे अमेरिका वाली बात, तो मेरा ख्याल है कि हम में से बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमें भी लगता था कि अमेरिका कोई देश नहीं, कोई पिक्चर है ना, जो अलग अलग जिसके सेट लगे हैं। तो वो बात तो बिल्कुल सही है। जापान के बारे में ऐसा था कि जापान के बारे में हमें लगता था कि ये मिस्टीरियस है, कोई बड़ी मिस्ट्री है जापान, और वहाँ पे सब बहुत चुप रहते हैं, और वहाँ पे बातें कैसे हो जाती हैं, और वहाँ पे जरा वो जो जब किमोनो की स्लीव हिलाई जाती है तो कुछ हो जाता है, और इस तरह की चीजें हमें लगती थी। जब बड़े हुए और उसके बाद वर्ल्ड वॉर वगैरह को पढ़ा, वर्ल्ड वॉर वगैरह को जाना, तो दूसरे तरह का तसव्वुर निकल कर आया जापान का। उसके बाद ये पता चला कि जापानीज जो है वो बड़े वर्कहोलिक होते हैं, वो बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं मेरे भी दिल में, जापान थे जब मैं गई थी। और ऐसा भी रहा कि जब मैं वहाँ पे रहने गई थी, जो मुझे जापानीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप थी वो मिली, उसके पिछले साल भी मैं, उसके एक साल पहले भी मैं दो तीन बार जापान हो आई थी अलग अलग, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में, कभी किसी छोटी स्कॉलरशिप में, ऐसे करके। तो मैं वाकिफ थी जापान से कि जापान में क्या है। और अब दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि जापानीज वाकई अनुशासन प्रिय हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जापानीज को अगर प्रोटेस्ट करना होता है तो वो बस अपनी बांह पे काली पट्टी बांध लेंगे और काम बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे। जापानीज बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, अगर उनकी ट्रेन्स जो हैं वो अगर 7 या 8 सेकंड भी लेट हो जाए तो वो एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है जी उनकी। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है, जो चीज वो तय कर लेते हैं वो उनको करना ही करना है उस 24 घंटे में, तो वो उसका हम लोग मजाक ऐसे करते हैं कि अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि वीकेंड में उनको फलानी जगह जाना है, तो वो चाहे कितने भी थके रहे लेकिन वीकेंड में वो वहां जाते ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज अपने मेमो में लिख ली है। और उसके अलावा, लेकिन जो जापान की मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है वो ये लगती है कि देखिए, एक तो जापानीज में क्या है ना, एक फ्रेज है, माइंडफुलनेस ऑफ अदर्स, यू नो, वो आप जब वहां रहेंगे तो वो आपको बिल्कुल हावी नहीं होने देंगे। हम देखिए हिंदुस्तानियों के अंदर क्या है ना, हम बहुत हावी हो जाते हैं, हम बार बार, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हम किसी का ख्याल करते हैं, तो हमारा तरीका क्या है कि हम बहुत उस पर बड़े हावी होने लग जाते हैं। अरे एक और ले लो भाई, दो और ले लो भाई, तुम ठीक हो कि नहीं, चलो तुम्हें यहाँ ले चले। ये हमारा एक क्विंटेसेंस है। जापानीज का ऑन द अदर हैंड जो क्विंटेसेंस है वो ऐसा है कि वो आपको, आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होंगे, वो आपका पूरा ख्याल करेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप वहाँ हैं तो वो उनकी नेशनल प्राइड का मामला है कि आपका कोई सामान ना खोए, आपको कोई चोट ना पहुँचे, पर ये सब बिल्कुल वो बगैर हावी हुए करेंगे। तो माइंडफुलनेस ऑफ अदर्स, वो आप
उनकी बात से आपको कोई परेशानी ना हो, वो फोन पे धीमे बात करेंगे, अगर आप उनसे कोई रास्ता पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपको छोड़ कर आएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं आप बीच में खो ना जाएं, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है. और जो एक अंतिम बात मैं जापान के बारे में कहूंगी, क्योंकि मैं वहां बहुत साल रही हूँ, बहुत साल से मेरी मुराद है 5 साल रही हूँ, वो ये कि वहां पर और वहां की आबो हवा में इतनी मुलायमियत है कि वो आपकी आंखों में चुभने लगेगी. आपको लगेगा अरे इतनी भी मुलायमियत ना हो, कहीं पे कुछ तो तुर्श हो, कहीं पे कुछ तो मुझे चुभे. लेकिन वहां पे बारिश हो, वहां का चेरी ब्लॉसम हो, वहां का म्यूजिक हो, वहां का जो अदब है, कायदा है, जो वहां की कर्टसी है, उसमें मुलायमियत इतनी ज्यादा है कि वो कभी कभी आपकी आंखों में चुभने लग जाती है कि इतनी भी मुलायमियत, इतना भी तो मुलायम लहजा ना हो जो हमें परेशान सा करने लगे. तो एक ये वहां पर जो मुझे लगता है कि जो बात मेरे जहन में अभी तक चिपकी हुई है वो ये है. अच्छा, ये बताइए कि हम लोग जो जैसे हमने कहा कि अमेरिका हमें लगता था सेट है, फिर हम अमेरिका हुआ है तो हमने लौट के आगे गांव में कहा नहीं, सच्ची मुच्ची में एक जगह है और जैसी टीवी पे दिखती है उसके इतर भी है और वैसी भी है, पर अमेरिका है. अब जैसे तुम हमारी दोस्त हो, तुमने कहा जापान है, तुम हो आई हो इसलिए हम मान ले रहे हैं. सौरभ भाई, हमें स्वस्ति से नहीं, आपसे एक सवाल पूछना है जापान के बारे में. स्वस्ति से तो नहीं पूछेंगे हम, जैसे आपकी जीके बहुत अच्छी है, तमाम लोग कमेंट्स में आपके ज्ञान का, आप ज्ञान के महासागर ऐसा लिखते हैं. जापान में क्या सचमुच जापानी तेल मिलता है क्या? चलिए जो भी हो, मैं फैक्चुअली बता देती हूँ कि नहीं मिलता है. ये इनफैक्ट क्योंकि मेरे न्यूज रूम में क्या है, प्रतीक्षा और प्रेरणा, ये दो लड़कियां हैं. प्रतीक्षा आईपी कॉलेज से पढ़ी हैं और प्रेरणा स्टीफन से पढ़ी हैं, और भी जो लड़कियां सरवत हैं, सरवत भी आईपी से पढ़ी हैं, आईपी यूनिवर्सिटी से. तो जो लड़कियां हैं वो, उनकी वजह से जेंडर को लेके हम लोगों के न्यूज रूम में एक अच्छी कॉन्शियसनेस है, मतलब हम लोग लगातार सीख रहे हैं चीजें. तो एक दफा स्वाति हैं जो दुनियादारी करती हैं, तो एक दफा ये बात हुई, जैसे आपने ये जापानी तेल का जिक्र किया ना, तो हमने कहा कि मतलब अजब मुल्क है कि 1.5 अरब की आबादी है, खुले में सेक्स पे बात नहीं होती, सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होती है, सैनिटरी पैड्स काली पॉलीथीन में दिए जाते हैं, अगर दिए जाते हैं गांव में, अभी वो उसका भी मसला है ना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसकी हम बात करते हैं, और बड़ी पर्देदारी है, संस्कार ज्यादा, कहीं कोई किसी ढंग से, कहीं कोई किसी ढंग से. बाकी आपको हर जगह मर्दाना ताकत के इलाज के इश्तेहार दिखते हैं, मूत्रालयों से लेके बस तक, मतलब हर जगह. और आप अखबार खोलिए तो आपको छोटे बड़े इश्तेहार दिखते हैं, जैसे आपने जापानी तेल का जिक्र किया. लेकिन आप ये देखेंगे इन सारे इश्तेहारों में अनिवार्य रूप से घोड़ा बना रहता है कई इश्तेहारों में. तो मैंने ये प्रतीक्षा और प्रेरणा इनसे समझ गया क्या इसका चक्कर हो सकता है. तो हमारी टीम में एक व्यक्ति है अमरेश सौरभ, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही. उसने कहा देखिए इसको ताकत से जोड़ा जाता है और मुझे लगता है कि एक वो फोर्स की यूनिट होती है, हॉर्स पावर, इंजन की कैपेसिटी एचपी में नाप होती है ना. तो शायद वहां से आया हो, क्योंकि आप लोग जैसे लिटरेचर पढ़ते हैं, कोई लिटरेचर में घोड़े का मैस्कुलिनिटी का रेफरेंस है क्या? मतलब देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें इस पर कुछ बोलने के लिए, तो जो ये बात, जैसे हम लोग जो इन बात, ये मतलब ये जो हम मेटाफर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम एक सेक्सुअल मेटाफर की बात कर रहे हैं, एक सोशल फिनोमेना को या एक नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए सेक्सुअल मेटाफर. अच्छा, नंदिनी है ये. हेलो हेलो हेलो, ये अभी सो कर उठी है. तो आप इसको गोद में बिठा लीजिए तो ये तसल्ली में रहेगी. बिल्कुल, आप यहाँ बैठोगे? आजो बैठो मेरे पास, बैठो, आजो आजो. अच्छा, इनका मन करेगा तो आएंगी. तो बाकायदा मैं आपसे ये कह रही थी, तो मिशु आप इनसे मिले हैं ना? हेलो हेलो, नमस्ते. हाँ, ये उस दिन मैं नहीं खिंचवा रही थी, बिल्कुल फोटो एकदम भागी भागी खिंचवा रही थी. हाँ, उस दिन भी नहीं खिंचवा रही थी. तो मैं आपसे ये बता रही थी कि ये जो मेटाफर्स हैं, जैसे तो स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो इनका एक बहुत ही बड़ा फेमिनिस्ट क्रिटिक है. बेटा ये दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना बेटा. तो ये पीछे ये वाला नहीं बेटा, ये वाला, ये ड्राइंग रूम का. आप मुझे दरवाजा बंद करने की मोहलत देंगे? सरा किचन में कुछ आवाज आ रही है. वो करके आ रही है, बिल्कुल. आप तसल्ली रखिए, बिटिया आपकी बड़ी कमेरी है.
उसको नहीं, इतनी इतनी समझदार नहीं है। एक मिनट। हाँ जी हाँ जी। ये वाला बेटा, अरे गया, एक मिनट रुक जा, आया एक मिनट रुक जा, आवाज बंद करो। अब आप माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। हाँ तो मैं बस ये कह रही थी कि बाकायदा इसका एक, देखिए एक मेटाफर है, एक क्रिटिक है, सॉरी एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है, जो आप मुझसे भी ये सब बातें कर रहे थे कि आपको जब हम लोग फेमिनिस्ट क्रिटिक पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस थियोराइजिंग का पर्टिकुलरली, तो एक बहुत उल्लेखनीय एक लेखिका है जिनका नाम है कैरल कोहेन, जिनका एक आर्टिकल है, कैरल कोहेन कोहेन, हाँ उनका एक आर्टिकल है सेक्स एंड डेथ इन द लैंग्वेज ऑफ डिफेंस इंटेलेक्चुअल्स, जो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, sex and death in the language of defense intellectuals. Okay. तो यहाँ पे ये उसी बात को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि किस तरह से ये जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो भाषा है वो कितनी बुरी तरह से न सिर्फ कितनी ज्यादा वो मैस्कुलिनाइज्ड है, बल्कि कितनी हेविली सेक्सुअलाइज्ड है ये जो भाषा है अपने आप में, और किस तरह से ये एक नॉर्मल नॉर्मल उसकी तरह, आओ इधर इसको भी ले आओ, इसको भी, ये हमारे काफ का है, इनसे भी चलिए आपका सबसे, हाँ ये हमारे काफ का है, इनसे भी चलिए आपका कराई दे, है ना मम्मा। अच्छा बेटा, अच्छा तो मैं यही कहना चाह रही थी, शायद मेरी बात करना मुश्किल हो रहा है, अब आप समझ रहे होंगे। नहीं, 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 तो मैं यही कह रही थी कि ये बाकायदा हम लोग इसको पढ़ाते हैं और इस पे काफी, देखा मुझे बात कर रही हूँ थोड़ी देर, और इस पे काफी जोर है इस बात पर कि, अभी मैं ठीक कर दूंगी, कि जो हम नॉर्मल जिसको समझते हैं उसके पीछे कितने इस तरह की जो नैरेटिव होते हैं और कितने सेक्सुअलाइज्ड होते हैं वो, और एग्जांपल अगर दे सको जो तुम पूरा ये न्यूक्लियर उसका और मैस्कुलिनिटी की बात कर रही थी। देखिए वो इस तरह से है जैसे कि जैसे जो ये न्यूक्लियर जैसे जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, तो मिसाइल्स के क्या साइज है वो एक तरह से वो बहुत सेक्सुअलाइज्ड होता है, यू नो कंपेयर टू द, मम्मा ये अभी टूटा खा रहा था। अच्छा बेटा ओके, मैं अभी समझा दूंगी, हाँ अभी इसको समझा दूंगी, तो वो कैसे जो जो द साइज ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स वो किस तरह से एक सेक्सुअल ऑर्गन की तरह से उसको कंसेप्चुलाइज करते हैं, या उसकी जो मारक क्षमता है वो किस तरह से उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें एक तरह की रेप की इमेजरी सामने निकल कर आती है कि द डीपर यू हिट, द हार्डर यू हिट, द मोर मैनली यू आर, द मोर सक्सेसफुल। एक मिनट, ये मुझे बात अब नहीं करने देंगी, तो अब आप देख रहे होंगे इस तरह से है, तो ये है, और ये हर जगह है, ये व्याप्त है, इसी वजह से मेरे, आप देखेगा कि फेमिनिस्ट कहती है बार बार इस चीज को कि प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि आधी दुनिया जो है वो, मतलब जो स्त्रियों की जो बात है वो बात नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो पूरी की पूरी बात की तस्वीर इस तरह से बनी हुई है जो बहुत ज्यादा न केवल डिस्क्रिमिनेटरी है बल्कि बहुत ज्यादा सेक्सुअली ओप्रेसिव भी है, जो बात है वो सेक्सुअली ओप्रेसिव भी है, और आपको इसके तमाम एग्जाम्पल्स दिखेंगे, कोई सब्जेक्ट इससे छूटा नहीं है, स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन समझे जाते हैं जैसे वॉर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पावर और सिक्योरिटी, इस तरह के जो डिस्कोर्सेज हैं, तभी आजकल जो सबसे ज्यादा जोर है वो इस बात पर है कि आप इनको सिक्योरिटाइज करिए, ह्यूमनाइज करिए डिस्कोर्सेज को, आप इन्हें, इसको फेमिनाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको ह्यूमनाइज करिए, जब आप इसे ह्यूमनाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे एड्रेस होना शुरू होगी। ये तुम ये बता रही थी और मुझे वो बड़ी कमाल की फिल्म है अभी हिडन फिगर्स। अच्छा हाँ, ये तो इसके साइकोलॉजी में तो इसके तमाम वो मिलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह पे जो बिल्कुल क्लियर कट डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पे ये कम मिलते हैं उदाहरण, तो इस वजह से मैंने ये उदाहरण आपको दिया, और साइकोलॉजी में तो खैर बहुत हैं, जो पूरा फ्रॉयड का सिद्धांत है वो सारा का सारा इन्हीं मेटाफर्स और इन्हीं इस पर आधारित है, उस पर मेरा मतलब बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं है तो मैं उस पर कुछ कहने से बचूंगी, लेकिन तो ये है, तो हम लोग जो मैं फिल्म का जिक्र कर रहा था हिडन फिगर्स, ये 2016 की फिल्म है, आप लोग जरूर देखिएगा दोनों लोग खोज के, ये नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे है, और ये यही कहानी है कि अमेरिका में औरत होना और ब्लैक औरत होना, और वो 50-60s का दौर है जब अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के दौरान की पहले स्पेस में कौन पहुंचे और पहले चांद पर कौन पहुंचे ये लड़ाई चल रही है, और तब कंप्यूटिंग मशीन्स बहुत हैवी होती थी और इंसान कंप्यूटर्स होते थे जो तेजी से कैलकुलेशन कर सकते थे, और तब कुछ वहां पर ब्लैक औरतें हैं जो किस तरीके से अपनी जगह बनाती हैं और किस किस्म का ऑपरेशन झेलती हैं, तो बड़ी अद्भुत फिल्म है, वो जरूर देखनी चाहिए, वो सेंसिटाइज करती है।
अच्छा एक लास्ट सवाल, बिटिया परेशान कर रही है, आखिरी चीज ये बताओ, स्वस्ति यू देयर? लास्ट चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जापान और साउथ कोरिया, इसको हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हाउ दे आर डीलिंग विद COVID-19, सिंगापुर भी देख रहे हैं, सो आप जब वहां से पेशी पढ़ाई की, आप वहां के हेल्थ स्ट्रक्चर को कैसे देखती हैं और हाउ दे आर डीलिंग विद कोरोना? देखिए ऐसा है कि उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो हमसे बहुत बेहतर है, जाहिर है, क्योंकि उसके बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ी जो वजह है उनकी आबादी है कि वो मैनेजेबल है, हमारी नहीं है, ये उसका बहुत बड़ा कारण है. उनकी उनकी हेल्थ केयर पे जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है और इस तरह की चीज़ों पर है. उनका जो इस वक्त चल रहा है, अभी जो कुछ घंटों पहले एक न्यूज़ आई है वो बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बड़ी हार्टनिंग न्यूज़ है, जो जापान से ही आई और मैंने उसको शेयर भी किया था अपनी फेसबुक वॉल पर, कि जापान ने अभी एक ऐसी कोरोना जो वायरस की टेस्टिंग किट इजाद करी है जो चंद मिनटों में बता देती है कि कोरोना वायरस जो है वो है या नहीं, जो COVID-19. अभी तो इसमें 2.5 घंटे लगते हैं और बड़ा जटिल प्रोसेस. जी जी जी, तो कुछ चंद मिनटों में ये बात जो है वो जापान की एक किट अभी इजाद हुई है. मेरा ख्याल है आपसे जब हमारी ये बात हो रही है उसके शायद आधे एक घंटे पहले मैंने इसको चीज को शेयर किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भी जापान में और बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां पर बाकायदा मेडिसिन में ही रिसर्च कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग में रिसर्च कर रहे हैं, कुछ फिजिक्स में है, कुछ रोबोटिक्स में है, कुछ हमारी तरह सोशल साइंसेज में है. तो उन सब लोगों से मेरा रابطہ अभी भी है और उन्होंने मुझे ये न्यूज़ बताई कि जापान इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है. तो ऑब्वियसली जापान टेक्निकली बहुत बहुत आगे है, एडवांस है और अपना रोल निभा रहा है. अब वहाँ वहाँ पे बात आती है कि उससे हम क्या कर सकते हैं. तो देखिए पहले तो हमें सिर्फ लॉकडाउन ही करना है, पहले हम लॉकडाउन करें, टेस्टिंग करें और अभी तो हमारे लिए दिल्ली दूर है वाकई. पर मुझे, मेरी ये उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, मेरा ख्याल है कि कुछ कुछ ड्रग्स के बारे में बात होती भी रहती है, आप देखते होंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन वगैरह जो ड्रग्स हैं उनके बारे में, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिनके बारे में बात होती रहती है कि उनका कॉम्बिनेशन देकर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके कुछ वायरल लोड को कम कर सकते हैं. इन सब में भी जापान में काम चल रहा है. कोई अभी तो जो एक अच्छी न्यूज थी वो यही थी जो मैंने अभी आपको बताई, तो कि उन्होंने अभी एक ये जो किट है वो इजाद करी है, वो हिंदुस्तान कब पहुंचती है, उसका वो कितने की है और ये सब क्या है, वी हैव टू वर्क दैट आउट. ऑब्वियसली बेटा लेट मी फिनिश. क्या बोल रही है, क्या हो रहा है? देखिए ऐसा है ना कि ऐसा होता है ना कि जैसे ही इनको लग रहा है कि मम्मा का ध्यान कहीं और है, तो वो मुझे सब बता रही है कि इनको कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ चोटें लगी है, अभी से लेके पिछले 2 साल तक कहाँ चोटें लगी थी वो सब बता रही है मुझे. हाँ वो आपको भी दिखाना चाहती है. हाँ इनको चोट लगी तो ये मुझे बता रही है. चलिए ये लंबी बातचीत हो गई और मुझे यूजुअली सैटरडे संडे को ललन टॉप शो नहीं होता है, लेकिन जो कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग सैटरडे को भी शो करेंगे. आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट. पर ये मेरे सामने ये 2 पन्ने हैं और इसमें मैं तुम लोग जो जो बता रहे थे, जुगनुओं की दुनिया से लेके लखनऊ की 5 रातें एंड डीप इंटरनेशनल सॉलिडरिटी, ये मैं सब नोट्स ले रहा था. वो नहीं लिखा आपने? जाओ वहां न जाने कहां, लाओ से न जाने किसे, वो नहीं लिखा आपने? क्या बात है. वो मेरे पास किताब है रूसी लोक कथाओं की, भी ढूंढते हैं उसमें मिल जाएगी. अरे उसमें एक राधुका प्रकाशन की है ना वो देखिए वो वाला प्रकाशन है जहां से पीपल्स पब्लिकेशन हाउस की है, वो पीपल्स पीपी, हाँ पीपल्स पब्लिकेशन पीपी किताब है उसकी. अभी आप उसे देखेगा और उसमें ना उसमें एक बड़ी उसमें वो है, एक उसमें फीमेल कैरेक्टर है जो बिल्कुल दी कैरेक्टर है, जो सबसे बुद्धिमान है, सबसे सुंदर है, उसका नाम है बुद्धिमती वासिलीसा. जी बिल्कुल पढ़िएगा आप उसे, मैं उसको कहानियां सुनाती हूँ और उसमें वो पढ़िएगा, जाओ वहां न जाने कहां, लाओ उसे न जाने किसे. तो वो जो है वो देखिए ह्यूमन डिजायर के ऊपर कटाक्ष है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हम कहां जाना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं और हमें नहीं पता होता. तो लोग गौरव की भी कहानी है, यहाँ वहाँ कहाँ, गौरव सोलंकी की. अच्छा गौरव सोलंकी की यहाँ वहाँ कहाँ, छोटी सी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, पढ़िएगा आप उसकी किताब में आखिरी कहानी वही है 11वीं के लड़के में. जी 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 जी. चलिए बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके और थैंक यू सो मच स्वस्ति, काफी टाइम बाद कनेक्ट किया पर इट वॉज गुड और मुझे उम्मीद है कि मेरे ललन टॉप के दर्शकों को भी मेरे दो दोस्तों से ये बातचीत रेफरेंसेस के मामले में काफी रिच
और संवेदनशीलता या कुछ नए जानने के समझने के मामले में भी दिलचस्प और थोड़ी सी काम की लगेगी। थैंक यू सो मच स्वस्ति राव, प्रोफेसर स्वस्ति राव, डॉक्टर प्रोफेसर स्वस्ति राव, और बहुत शुक्रिया टोपी, बहुत शुक्रिया राजा राजा बाजार के टोपीबाज हिमांशु बाजपाई। क्या बात कर रही है, हरदल अजीज है मेरी, हम लोग इनके फैन फॉलोअर हैं। आप सुस्ती जी, आप लखनऊ आए, अब तो आप लखनऊ से रापता फिर से हो गया आपका, आप आए आप सुस्ती जी, आप इनकी फैन हैं और हम इतने सारे फैंस की नजर न लगे इसलिए इनके माथे का दिठौना है। ये उपमा अच्छी है, हम भी जब किसी की आलोचना करेंगे तो उसमें यही कह देंगे हम तो डिठौना लगा रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बढ़िया है, ये बिल्कुल बढ़िया, अच्छा अच्छा जी, ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, देखते रहिए ललन टॉप और इस पूरी लॉकडाउन डायरी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि अगली दफा हम अपने दोस्तों की जो लंबी फेहरिस्त है उसमें से किस नए किरदार को आपके सामने लेकर आए। शुक्रिया।